हमने क्या गलती की है भाई, हर महीने रूम का भाड़ा टाइम पर देते हैं। घर में भी जल्दी आ जाते हैं, बिजली भी ज्यादा नहीं चलाते। हम दारू भी नहीं पीते हैं और तो और सिगरेट भी नहीं पीते हैं भाई। कभी लड़की लेकर भी नहीं आए, आंटियों को लाइन भी नहीं मारी, फिर भी आप रूम क्यों खाली करवा रहे हैं भैया? इसीलिए तो फैसला रोकर भी बिना एंजॉय किए जीना कोई जीना है। ए भाई इधर आ। गुड मॉर्निंग। इसे देखा, रूम में आए दो दिन हुए, दो लड़कियां लेकर आया ये। इसके बाथरूम में पेंटिंग्स नहीं, सेक्सी लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। ये रात को शॉर्ट्स पहनकर सोता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्या तमीज से सोता है। I love him. इससे कुछ सीखना चाहिए तुम लोगों को। देखो इसको, देखकर नजरिया बदलो अपना। भाड़ा ही नहीं, बिजली का बिल भी नहीं जमा करता। गांजा पीता है, भांग खाता है, पूरा का पूरा पियक्कड़ है ये। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तू मुझे बहुत पसंद है। आज मुझे 5,000 की जरूरत है। 5,000? हाँ। वो किस लिए बेटा? दोपहर को कामिनी को बुलाया है, एडवांस देना है ना। ये लो। ये क्या भैया, 5 मांगे तो 10,000 दे दिए। खाली ना जाए, इसलिए कामिनी को बुलाया ना, उसके लिए ये मैंने तुम्हें। जाकर बातें करो। थैंक यू भैया, दोबारा जन्म लिया ना तो बैचलर बनकर आपके रूम में रहने आऊंगा। चलता हूं। देखा, बैचलर का मतलब ये होता है, तुम लोगों से कोई फायदा नहीं, मुंह लटकाए खड़े रहते हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। निकलो यहाँ से, निकलो। सॉरी भैया, यहाँ से आजकल कहीं के बेकार है भाई, घूम घूम कर चप्पलें घिस गई है, कोई रूम नहीं मिला अभी तक। अब क्या करें, नसीब ही खराब है, बैचलर लोगों को रूम को किराए पे देता ही नहीं है। अरे उधर देखो। मेरा नाम प्रकाश है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उससे मुझे क्या, मुझे हार्डवेयर बैचलर चाहिए। सर मेरी सैलरी 50,000 पर महीने है। 50,000 है तो मैं क्या करूँ, निकलो यहाँ से। सर मुझ में कोई खराबी नहीं है सर, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से जाओ। ये इतना अलग क्यों लग रहा है बे? लगता है हमें रूम मिल गया है, चलो मेरे साथ। 50,000 सैलरी है, जाते समय लेकर जाएगा क्या? बिना बैड हैबिट्स के जिंदा कैसे है? छे 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 छे। अरे सुन रहे हैं, कौन आ रहा है? ए यहाँ का ओनर कौन है बे? चल बुला उस गधे को। ओए ये रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, मैं यहाँ का ओनर हूँ, क्या चाहिए रे? हमें रूम चाहिए। रूम चाहिए तो अपनी क्वालिफिकेशन बताओ तुम लोग पहले। हर महीने का भाड़ा ही नहीं बल्कि बिजली का बिल भी नहीं भरेंगे। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, अगर बीच में आया तो तुझे भी लगा देंगे। समझ गया ना? हेलो, लेट नाइट तक आऊंगा। आंटियों को लाइन मारते हैं, लड़कियों को घर बुलाते हैं, दिन में लाया या रात में तुझे उससे क्या, तेरी वजह से हम अपना कैरेक्टर नहीं बदलेंगे। अरे बस 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 बस, तुम्हारे जैसे ही बैचलर मुझे चाहिए, एडवांस भी देने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। चक्कर क्या है, सारे कमरे बड़े शांत है, हमारे बैचलर्स की हालत कैसी है, चल के देखते हैं। इस बैचलर भाई का साम्राज्य। या स्टॉप, रुकिए, ऐसे मजा नहीं आएगा, अभी एंट्री कराता हूं। कम ऑन, मजे कर रहे हो? पकड़ सकते हो कौन सर? चलो एक भी बचना नहीं चाहिए, पकड़ लो, याशी करेंगे। नहीं चलो, सबको अंदर करो, सबको जाके बंद करो, कोई नहीं बचना। तू खड़ा घूर क्या रहा है? अरे चल, क्यों रहे, चल रहा हूं ना। तो वो बैचलर होम है और अंदर सबके साथ मिलकर कैबरे हो रहा था, तो चाहता क्या है? कुछ नहीं सर। सर वो क्या है सर, ईमानदारी से बताता हूँ सर, मैं सोसाइटी के लोगों की आंखों में बैचलर्स के लिए अन्याय और दुर्भावना देखकर मैंने खुद एक बैचलर होम बना लिया सर। वहाँ सब कुछ मैं ही करता हूँ सर, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही क्रिया हूँ सर। इस शहर में सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम अपार्टमेंट, ना जाने कितने अपार्टमेंट होंगे, लोग रहते होंगे वहाँ पर, लेकिन बैचलर्स के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है सर। भाई क्या बात कही है? अरे लग रहे हो? आप ही बताइए, आखिर इन्होंने क्या पाप किया है सर? सर आप जानते हैं सर, इन बैचलर्स की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है सर, पार्क, चिकन सेंटर, फास्ट फूड, एक दो नहीं, बहुत 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 चल रहा है सर, बहुत चल रहा है सर। उनकी कमाई का जरिया इन्हीं बैचलर्स से है सर। सरकार को इन बैचलर्स की वजह से साल में करोड़ों करोड़ों रुपए की आय होती है सर, उसके बावजूद
इन बैचलर्स को रहने के लिए कोई एक रूम तक नहीं देना चाहता सर। डर, बैचलर से सबको डर लगता है। रूम दो तो किराए ठीक से दे पाएंगे या नहीं ये डर। रूम देने के बाद क्या गंदगी करेंगे इसके बाद का डर। सामने वाली माँ बहन पर गंदी नजर डालेगा इस बात का डर। अगर मालिक के घर लड़की हुई तो और भी डर है। कहीं वो उसकी बेटी को प्यार में फंसा कर भाग गया तो। एक बैचलर बहुत है 100 लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए। इन सब को अंदर करके बीच में इसे डालकर बैंड बजा दो इनके। मुझे वो सब आवाजें साफ सुनाई देनी चाहिए डॉल्बी में। छोड़ दीजिए सर। पैर फिसल गया, पैडल स्लिप हो गया और चेन भी उतर गई। सिर्फ आपकी चेन ही नहीं उतरी, मैं भी उतर गया। अरे बापरे क्या हुआ? यहाँ दर्द है। इधर इधर कहाँ? भी अरे बापरे, ऐसा लगता है लाल पेंट लग गया। इतनी लाल चोट कैसे लग गई? अरे बापरे, पुरुष 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 ना, क्या हो गया? दूसरे पुरुष की फिंगरप्रिंट्स भी अपने शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, मेरी माँ कहती थी। मतलब तुम एक अच्छे घर से हो? हाँ, माँ अरुंधति, दीदी अनुसया, छोटी सावित्री। और तुम्हारा नाम? सीता। सीता? सीता पति। अच्छा, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? मुंबई में बिजनेस करती है। अब मुंबई में बिजनेस? मैग्नेट का बिजनेस है। अच्छा, मुंबई में कौन से एरिया में? ग्रैंड रोड। अरे बाप रे, तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल की रिम टेढ़ी हो गई है। तुम्हारी साइकिल की रिम टेढ़ी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन मेरी वॉलपिन भी टूट गई है। जब मैं जवान हुई थी तब मेरे बड़े जीजा ने मुझे गिफ्ट में दी थी। तुम उदास मत हो सीता, उस सीता के लिए श्री राम ने सोने का हिरण ला कर दिया था। इस सीता के लिए ये सीतापति ये छोटी सी साइकिल क्या स्कूटी खरीद कर ला कर देगा। अरे बाप रे, मजा आ गया। अरे बाप रे, पुरुष पुरुष। हाय सीतापति। सीता, ये स्कूटी शोरूम से धकेलता हुआ मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। पहली बार कोई बैठेगा तो तुम यहाँ बैठोगी। सीतापति, I love you. I love you so much. सीता, I love you too. अरे बाप रे, पुरुष। पुरुष से क्या मतलब? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, सीता पति। चने, क्या नाक बनी है आजकल, गाली हो गई हो? बिजनेस में थोड़ी बिजी हूँ ना। काहे का बिजनेस? एक अनार और 100 बीमार। चने ले लो चने। एक अनार 100 बीमार? क्या हुआ पद्मा? पार्क में आना छोड़ दिया तूने? मैं थोड़ी बिजी हूँ। अच्छा, आइसक्रीम। अच्छा, तुम्हारा नाम तो सीता है ना? तो फिर ये चने वाला नागमणि और ये आइसक्रीम वाला पद्मा क्यों बुला रहा था? ये सब क्या है? तुम यहाँ ना बैठो। सीता मेरा घर का नाम है। नागमणि, पद्मा, रम्या, मैना, ये सब मेरे प्यार के नाम है। तुम्हें सब कुछ खुलकर बताना पड़ता है, वो सब मेरे निकनेम्स है। ओहो। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। ग्रैंड रोड पर हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। यू मीन रामसे ब्रदर्स की कंपनी? ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरी माँ की कंपनी। ना जाने कितने वर्कर्स है उस कंपनी में। दिन हो या रात सभी मेहनत करते हैं और कस्टमर्स को भी खुश रखते हैं। हर शहर में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस है, तुम्हें नहीं पता? मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, गोवा, पुणे, ना जाने कहां कहां से वर्कर्स आते हैं और हमारी कंपनी में काम करके जाते हैं। लॉजिंग, बोर्डिंग, फूड, बेड, सब हमारी ही कंपनी देती है। तुम्हारी कंपनी मुझे इंडिया टूरिज्म की लगती है। ये बताओ, तुम्हारी कंपनी में वर्कर लोग हार्ड वर्क करते हैं क्या? हाँ, पैसा भी बहुत मिलता है। रोज का बस एक ही घंटा, जिसकी जितनी कैपेसिटी। सीता, तुम अपनी कंपनी में मुझे जॉब लगवा दोगी? तुम्हें जॉब किस लिए? हमारी कंपनी तुम्हारी है। सीता, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी करके तेरी कंपनी का ऑनर बन जाऊंगा। अरे सीतापति, तेरी किस्मत बदलने वाली, इसे किसी भी तरह पटा के इसकी कंपनी को अपना ले। तुम क्या लोगी डार्लिंग? बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसी दिखती हो वैसी नहीं हो मेरी जान, तो एकदम प्योर 24 कैरेट सोना हो। एक मिनट। ओके, यू कैन टॉक। हेलो, आज नहीं होगा,
कल रात को आऊंगी। दस मिनट ही रुकूंगी और 10,000 से कम नहीं। डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? डिस्काउंट? तुम्हें डिस्काउंट चाहिए? हाँ। ऐसी सब चीजें हमारे पास नहीं मिलती। जो भी बात करनी हो मम्मी से बात कर लेना। ये क्या जाने मन, 10 मिनट कह रही हो, 10,000 मांग रहा है, डिस्काउंट बोल रही हो। कस्टमर केयर का फोन था डाले। ये बात है। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? छमिया कल रात को आओगी कहकर एडवांस लिया था, पर आई क्यों नहीं? चल अब चलते हैं, चल चल चल। हेलो, इतनी जल्दी क्या है? दो दिन पहले मैंने बुक किया था, पहले इसे मेरे साथ चलना होगा। चल चल, नहीं है पहले मेरे साथ जाएगी। चल, ये ऐसा कुछ नहीं है। जाने मन, ये दोनों तुम्हें अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको मिलवाया नहीं था। ये मेरे बड़े जीजाजी हैं और ये मेरे छोटे जीजाजी। हेलो हेलो, तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली है ना? प्रेम करते हैं और हाथ रखते हैं। समझ गया, हम आपके है कौन फैमिली जैसा है। ये सुनो, परेशान मत हो, 7 से 8 तुम लेकर जाओ, 8 से 9 तुम लेकर जाओ। चलो अब बाद में बात करेंगे। कुछ खाया पिया नहीं इसलिए बुरा मत मानना डार्लिंग। हम बाद में खा लेंगे। मैं ऑटो में जाऊंगी। ऑटो में क्यों, ये कार लेकर जाओ। तो मेरी स्कूटी? स्कूटी तुम्हारे घर पहुंचने से पहले स्कूटी घर पहुंच जाएगी। ये ले चाबी। थैंक यू सो मच। आप राइट में बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, आप पीछे बैठ जाइए। चलिए बैठिए। बाय बाय बाय। क्या भाई, पहले पहले तो तू दारू बहुत पिलाता था, लेकिन आजकल तो दिखता भी नहीं है तू। मैं कॉलेज क्यों नहीं आता पता है? सिद्धू की वजह से यार। सिद्धू की वजह से? हाँ, उसकी वजह से मुझसे कोई लड़की नहीं पटती है ना। अरे भाई, कॉलेज नहीं आता ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लड़की पटा ली है ये इम्पोर्टेंट है। मतलब तूने लड़की पटाई? अरे बहुत सच्ची लड़की है। बातें बॉलीवुड की तरह, चाल हॉलीवुड की तरह, स्टाइल टॉलीवुड की तरह। इसीलिए मैंने अपनी कार उसे गिफ्ट कर दी। कार गिफ्ट कर दी? एक कार नहीं भाई, मैं तो उसके लिए कारों का ताजमहल बनवा दूंगा। अरे भाई, वो ताजमहल देखो अपना ही है ना। आओ भाई आओ, कार में बैठोगे तो 1,000, उतरोगे तो 1,000। अरे यार, ये कौन है मेरे ताजमहल को बेच रहा है? अरे रुक रे, अपनी इच्छा यहाँ आकर पूरी कर लो। नमस्ते सर। नमस्ते, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, जरा दरवाजा खोल के दिखा। अब खुद देख लीजिए। ये गुंडा शिवाजी का विलन लग रहा है। मजा आ गया। ये ऐसे क्या दिखाया? वो देख तो सर। अरे पुरुष। अरे चुप, पुरुष बोली तो जुबान खींच कर हाथ में दे दूंगा। एयरपोर्ट लगा कर आई थी, मैंने सोचा था लर्निंग में होगी, लेकिन ये तो टर्निंग वाली निकली। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है बोलती थी, तो मैंने सोचा राम से ब्रदर्स की कंपनी होगी। मेरी बहन प्यार से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अब आपके है कौन जैसी फैमिली बनाएंगे, यह सोचा था मैंने। जीजाजी है डार्लिंग। अरे कितने लोग तेरे जीजा है? सभी तेरे जीजा है, सारे मर्द तेरे जीजा है। अरे तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे स्कूटी खरीदवाई, अपनी कार भी दे दी, और तूने ऐसा किया। अरे अरे छोड़ दो भाई, अरे चलो मुझे। अरे भाई कौन है ये? ये मेरे भैया है। चलो तेरे भाई हूँ मैं, और नहीं तो क्या।